एक और दर्शक है अमित शर्मा जी ने हमें कॉल किया है उड़ीसा से, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी बताएं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताएं। हेलो सर, मैंने खुजली होके रखी है दोनों टांगों में। कब से है? वैसे तो मेरा 2-3 साल हो गया है, लेकिन कभी हो जाता है, दवाई ले लेता हूँ तो मिट जाता है, तो लेकिन अभी मेरे महीने भर हो गया इससे खुजली होके रखी है। मेरा मतलब जांघों में है और थोड़ा दाढ़ी के पास भी है, और गले गले में छोटे छोटे जैसे फुंसी से दाने भी है, वो भी हो जाते हैं बार बार। ठीक है, एज बता दीजिए अपनी, एज आपकी। ठीक है, देखिए इसका इलाज है बहुत आसान, अगर आप करें तो आपको इसे निजात मिल सकती है, नहीं तो ये फिर पूरे शरीर को में आ जाती है। तो इसका इलाज ये है कि आप नमक आता है, एक रसायन आता है जिसे हम लोग नमक कहते हैं, रसायन जैतून, जैतून का रसायन, या नमक जैतून कह सकते हैं, या इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर पी लिया करें, एक ही बार काफ़ी, नहीं तो दो बार भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, फ़ायदा तो आपको बहुत जल्द होगा, आप हफ्ते दो हफ्ते में सोचेंगे मैं बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसको ख़त्म कर लेना ताकि आपको रोग से निजात मिल सके। एक और दर्शक हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं, अनिल जी ने हमें कॉल किया है। अनिल जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैम, मेरे को अपनी मिसिस के बारे में पता करना है जी। उनके घुटनों में दर्द रहता है जी। कब से और कितनी एज है उनकी? उनकी एज 55 है जी, और उनको 2-3 साल से ही है, ज्यादा पुराना तो नहीं है। ठीक है, 2-3 साल बहुत होते हैं, आपकी पत्नी ने बर्दाश्त किया है, आपने नहीं। 2-3 साल दर्द में आदमी मायूस हो जाता है। अच्छा, देखिए ये कोई भी दर्द, चाहे घुटनों का हो या कमर का हो, ऐसा रोगी जिस घर में भी हो उसके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अगर ये है तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ये नहीं है तो काफ़ी वक्त लगता है। तो आप सोच लें आपको क्या करना है या नहीं है। तो एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद, ये जायके में कड़वा और रंग में ब्राउन होता है, लेकिन इसे गोंद स्याह कहते हैं या काला गोंद कहते हैं, लेकिन फ़ायदे में ये बहुत अच्छा है अगर असली मिल जाए, नकली भी बहुत मिलता है। असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं, 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया असली, तो ये ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। ठीक है, साथ अगले कॉलर से हम बातचीत करते हैं। बिहार से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी ने हमें कॉल किया है। जी बताएं, क्या समस्या है आपके साथ? दर्द रहता है, रुधिर बनता है जी, भी होता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगा 30 साल, 30 वर्ष जी। 30-31 साल की उम्र है, पेट की समस्या है इन्हें। हाँ, ब्लड भी आता है। समस्या 5-6 साल से है जी। और देखिए बहुत होती है 5-6 साल ब्लड आने की तकलीफ की, दर्द की समस्या बहुत होती है। 5 साल तो मैं तो आदमी मायूस हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें। देखिए एक चीज़ आती है लाजवंती, सब जानते हैं, बड़ी मशहूर चीज़ है, लिख लिए, लाजवंती के बीज आते हैं बहुत बारीक बारीक, अगर इसे पानी में डालो तो पानी जम जाता है, समझ लीजिए आप कैसी चीज़ है। लाजवंती के बीज, लाजवंती कहते हैं इसे, लाजवंती। और एक चीज़ आती है रसवंती, ये एक गम टाइप की चीज़ है, लाजवंती रसवंती कत्था, कत्था ही जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, ये सूखा हुआ कत्था मिलता है, 100-100 ग्राम सब ले, लाजवंती रसवंती कत्था और गौंद मोरिंगा सफ़ेद लिखना आप, लाल वाला मत लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद आता है, ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और इसकी गोलियां बना लें, चना या मटर के बराबर या उससे कुछ बड़ी, और एक सुबह एक शाम खाया करें, पानी से बगैर चर्बी के दूध से,
या जूस से भी ले सकते हैं अगर आप रईस आदमी हैं, और ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ कोटा राजस्थान से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं गौतम जी। गौतम जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मुझे तो ये जैतून सिरका का पता करना था मैडम जी। क्या पता करना चाहते हैं इसके बारे में आप? मतलब ये जैतून का सिरका किस चीज में काम आता है जी? ठीक है, अच्छा देखिए, एक फल जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है और उसको एक प्रोसेस के तहत सिरका बना देते हैं, जैसे यहाँ गन्ने का, अंगूर का, सेब का सिरका बनाते हैं, ऐसे ही ये एक फल है जिसका सिरका बनाते हैं। लेकिन ये पेट की खराबी के लिए, पेट के इन्फेक्शन के लिए, आंतों के इन्फेक्शन के लिए, लीवर के लिए, लीवर की तमाम बीमारियों के लिए, और कोलेस्ट्रॉल के लिए और डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिन में एक या दो बार ले सकते हैं पानी से, पानी में मिला के, बहुत तेज़ होता है तो दो तीन चम्मच एक गिलास पानी में डालकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो डायबिटीज़ भी स्थिर रहती है और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है और ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हार्ट ब्लॉकेज जिसकी वजह से हमें बाईपास सर्जरी ऑपरेशन कराना पड़ता है, अगर 5-6 महीने ले लिया जाए तो इससे निजात मिल सकती है। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, रमा जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से, उनसे बातचीत करते हैं। रमा जी बताएं, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मैंने हकीम जी से यह पूछना है कि मुझे डॉक्टर ने गठिया बताई है जी, और मेरे जो है पैरों में, हाथों में की उंगलियों में सूजन आ जाती है जी, और डॉक्टर ने जो कही है गठिया है ये हमेशा के लिए रहेगी, ठीक नहीं होगी। उम्र कितनी है रमा जी आपकी? मेरे 64 है। और ये जो समस्या सवाल जी, और दूसरा ये है कि मुझे थोड़ा ब्लड प्रेशर भी रहता है, थायराइड भी है। अच्छा, ये जो जोड़ों का आप बता रहे हैं गठिया, ये कब से है आपके साथ परेशानी? मुझे इसको 8 महीने हो गए, टेस्टिंग में उन्होंने आप गठिया बताई है जी, कि जो छोटी वाले जोड़ों की गठिया है आपको। ठीक है, अच्छा देखिए, आपको तो बहुत ताज़ी ताज़ी गठिया है, मतलब एक साल भी नहीं हुआ है, जो आप अगर प्रोग्राम देखती हैं तो 5-5, 10-10 साल पुराने लोग भी अच्छे हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह इलाज करें। देखिए गठिया जो है वो खटिया पे पहुंचा देता है आदमी को, ऐसे गांव की मिसाल है, तो इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने आप करेंगे तब इलाज है। और थायराइड का भी इलाज है, वो भी ठीक हो सकता है, एक एक करके कर लें जो आप बेहतर समझें। एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप खुद बनाएं। देखिए अलसी ले लीजिए 500-600 ग्राम और उसको पाउडर बना लीजिए हल्का सा भून के अलसी, और एक चम्मच अलसी रोज़ सुबह और शाम खाया करें, और 100-200 ग्राम आप ले लीजिए गोंद स्याह, एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह या काला गोंद कहते हैं, ये अलग से पाउडर बना के रख लीजिए, जब भी ये अलसी खाएं तो इसमें एक या दो चुटकी गोंद स्याह मिला लें, बड़ा कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा, इंतहाई कड़वा होता है, बड़ा मतलब स्वाद अच्छा नहीं होता उसका, लेकिन फ़ायदे में मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी में के अनुभव में कोई दवा नहीं देखी जो गठिया को भी आपसे दूर कर देता है। ये गठिया का इलाज है, समझ लें आप। अलसी पीस के अलग रखें, हल्का सा भून के एक चम्मच लें, उसमें एक या दो चुटकी गोंद स्याह मिला के दिन में दो बार खा सकते हैं खाने के पश्चात, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। और इस वक्त एक और कॉलर राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं हाजिर अली साहब, बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैं, मुझे बवासीर है, और बवासीर जो है वो है उसकी बादी वाली, मेरे नीचे लेटरिंग करते ना गुदा जो है थोड़ा बाहर में हड्डी निकल जाती है जी, आदर्श लेने के बाद जो है फिर किसी चारपाई की पट्टी या पाइप रखना पड़ता है, गुदा अंदर चली जाती है। उम्र कितनी है आपकी?
उम्र है भी 45-50 साल जी। तो कोई यूनानी दवा इनके लिए या जिस तरह की परेशानी है, बहुत ही परेशानी वाली परेशानी है, बीमारी है ये? देखिए दवा भी है और घरेलू नुस्खे भी हैं, ये ठीक हो सकता है। बस आप इतना ख्याल रखें कि खाना जितना आपको लगता है उससे आधा खाना खाया करें, और जो भी खाना खाएं वो हजम जो आप आसानी से कर सकते हैं वो खाएं, ठीक है। और दवा के नाम पर कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, कैप्सूल पी केयर सुबह शाम खाने के बाद या पहले भी ले सकते हैं, पानी के साथ लें। और एक घरेलू नुस्खा है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेथी 500 ग्राम लें, मेथी का दाना, और इसको पाउडर बना लें, ज़्यादा बारीक ना करें, थोड़ा मोटा मोटा सा रहे, जैसे सूजी होती है ऐसा, तो बहुत अच्छा। मेथी दाना को पाउडर बनाएं, और एक रसायन आता है जैतून का रसायन, जैतून का नमक भी कहते हैं इसे आसान लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टेक जैतून। ये देखने में नमक होता है लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता। ये 100 ग्राम या 150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, और आधे से एक चम्मच दिन में दो बार खा सकते हैं। आधा आधा चम्मच शुरू करें और आपको ऐसा लगेगा कि आप 2-4 दिन में ठीक हो गए, लेकिन आपको ये पूरा मटेरियल ख़त्म करके ही चैन लेना है ताकि आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपसे रुखसत हो जाए। और इस वक्त एक और कॉलर है, मीना जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से। मीना जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप? नमस्कार जी। आदाब मीना जी, कैसी हैं? हाँ ठीक है। मेरी मदर हैं 65 ईयर्स की, तो उनकी एक कमर से होती नस जाती है जो पैर तक जाती है, बहुत दर्द करती है उनकी जी। ठीक है, हेलो, ठीक है। और दूसरा सवाल उनके लिए ये है कि उनको बीपी की दिक्कत है, और उनको सिर में एक बार वो गिर गए थे, चोट लगी थी, तो डॉक्टर ने बताया कि सिर में खून जम गया है, तो किस टाइम वो बेहोश हो जाती है जी। उम्र कितनी है उनकी? 65 जी। हाँ जी। एक उनको टांग की बड़ी प्रॉब्लम है, उनको एक टांग कमर से होती हुई नीचे पैर तक बहुत दुखती है, काफी इलाज कराया पर कहीं कोई आराम नहीं आया। दूसरा बीपी की भी है, और सिर में कहते गिर गई थी एक बारी तो खून जमा हुआ है, तो वो बेहोश भी हो जाती है कई बार, फिर थोड़ी देर बाद उनको पानी वानी डालते हैं, बीपी की मुंह में गोली डालते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाती है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बेटा ठीक से सुनिए, बड़ा अच्छा लगा आप अपनी माँ की इतनी फिक्र कर रही हैं, और इनके ही दोनों रोग ठीक हो सकते हैं। देखिए जो हमारे कमर से लेकर टांगों की तरफ कोई दर्द होता है नर्व में, तो इसे साइटिका कहते हैं। हमारी कमर की डिस्क में वो रग दब जाती है जो खून सप्लाई करने के लिए टांगों की तरफ जाती है, मोटी नर्व होती है, इतनी मोटी मेरी उंगली की बराबर, तो वो दब जाती है। तो इसके लिए एक तो घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, जो अपनी ज़रूरत वो उस पर पूरी करें, नहीं है तो लगवा लीजिए, तो बहुत ज़रूरी है ये उनके लिए। दूसरा कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, आप उन्हें दिया करें सुबह शाम, और अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए, किसी किसी को एक ही महीने में फ़ायदा हो जाता है, तो वो 3-4 महीने इलाज करें ताकि इससे निजात मिल सके मम्मी को आपकी। और ये जो ब्लड प्रेशर और ये खून का जमना या चर्बी का जमना या चर्बी का होना या हार्ट ब्लॉकेज होना, ये सब के लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका जो है ये लिक्विड है, और इसे 3 चम्मच रोज़ाना पानी में मिलाकर आप उन्हें पिला दिया करिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं फरीदाबाद से, विद्या जी ने हमें कॉल किया है। विद्या जी आप बताएं किस तरह की परेशानी है या बीमारी है जिससे आप जूझ रही हैं? हाँ जी नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार आदा जी। आदा। विद्या जी कैसी है? हाँ जी ठीक हूँ। वैद्य जी मैंने 2 बारी दवाई मंगवाई है आपकी, आर क्या जी। हाँ जी मेरे को फर्क तो है, पर है ना मेरे को हाथों पैरों पे ना एलर्जी सी हो जाती है जी। ठीक है तो बोलिए पूरी बात बोलिए। हाँ जी पूरी दवाई मैंने खा ली है, फर्क है। ठीक है अच्छा देखिए आगे दवाई, हाँ जी दवाई आगे लूँ या? फर्क कितना है ये बता दीजिए। फर्क बहुत है,
80% तो है। अच्छा देखिए, दवाई और एक दो महीने खाइए आप, और एक चुटकी जो खाने वाला सोडा है रोज़ाना, एक चुटकी में जितना आए पानी में मिलाकर आप पी लिया करिए, तो कोई एलर्जी वगैरह भी होगी तो उसका भी ठीक होना मुमकिन है। आपको बहुत मुबारक, बहुत जल्दी भगवान ने आपको फ़ायदा दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें फीडबैक दिया। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा।